नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें चार फ्रैक्शंस गिवन है और हमें उसको इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है। तो जब भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनमें हमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो क्या है, सेम दिए हुए हैं। तो जब भी हमें गिवन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम दिया होता है तो हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करके फ्रैक्शंस जो हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम न्यूमिनेटर देखें यहाँ पे तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, 7, 8, 3 एंड 5। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन आएगा जिसका न्यूमिनेटर जो है सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे पहले आएगी। देन 3 के बाद बड़ा क्या है, 5, 5/9, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम गिवन थे तो हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया बिकॉज वी नो दैट बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट एंड फ्रैक्शन हैविंग लार्जर न्यूमिनेटर इज लार्जेस्ट। सो दिस इज अवर रिक्वायर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो फ्रैक्शंस गिवन है हमें यहाँ पे न्यूमरेटर्स जो हैं वो सेम दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स की हेल्प से चेक करेंगे। अब हमें पता है कि वो वाली फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उनमें वो डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है वही वाली फ्रैक्शन क्या होती है, हमारी हमारे लार्जर फ्रैक्शन होती है। मतलब अगर डिनोमिनेटर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो वाली फ्रैक्शन जो है हमारी वो लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ पे देखो अगर डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो 7 वाला 4/7 जो है, 7 डिनोमिनेटर जो है तो वो वाली फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है और ये वाली फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी होगी क्योंकि सॉरी आई विल रिपीट हियर। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसकी हेल्प से हम लोग चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है एंड कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। एज वी नो कि वो वाली फ्रैक्शन जिसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वो वाली फ्रैक्शन हमारी लार्जर होती है और जिसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो वाली फ्रैक्शन हमारी छोटी होती है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी और यहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सो हेयर न्यूमिनेटर्स आर सेम। सो द फ्रैक्शन Having smaller denominator is the largest and fraction having larger denominator
is the smallest fraction. So हमारा order क्या होगा, increasing order है. सबसे पहले सबसे छोटी fraction लिखेंगे तो ये आएगी 4/15, 4/12, 4/9 and 4/7. This is a required order. तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक टाइप का एक सम करवाया था विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट सम जो है हमें गिवन है, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शंस ऑफ फॉर ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे पेयर दे रखे हैं तो आपको इनमें क्या करना है कि इनमें से आपको ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करनी है. तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं कि कहीं पे न्यूमरेटर सेम है, कहीं पे डिनोमिनेटर सेम है. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में करवाया है, सिमिलरली आपने वैसे ही करना है. मैं आपको हर एक पार्ट का, हर एक सम का एक एक पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी. जैसे फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है 2/5/2/3. आपको यहाँ पे ग्रेटर फ्रैक्शन बतानी है. अब यहाँ पे न्यूमरेटर्स जो हैं सेम है, सो द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज लार्जेस्ट, सो डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा किसका है, इसका है. तो 2/3 इज अ लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपके यहाँ फाइंड करना है, फाइंड दी स्मॉलर फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. तो स्मॉलर फ्रैक्शन के लिए अब यहाँ पे सेम वही चीज़ गिवन है आपको. मैंने आपको ऊपर वाले में वो सम करके दिखाया जिसमें न्यूमरेटर सेम था. अब यहाँ पे मैं आपको डिनोमिनेटर सेम वाला कोई सम करके दिखाती हूँ. सेकंड का एच पार्ट करके दिखा देती हूँ. नाइन बाय एट ओवर 7/8. सो हेयर डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. सो 7/8 जो है क्या हो जाएगा, इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपको फ्रैक्शंस दे रखी हैं तो ये आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करके दिखाना है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स करके दिखाई थी असेंडिंग ऑर्डर की, सेम वैसे ही करना है. इसका मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ. थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2/5 में आपको गिवन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स जो हैं गिवन फ्रैक्शन के वो सेम हैं. सो फ्रैक्शन having larger numerator is a largest fraction and a fraction having smaller numerator is smallest.
सो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन लिखनी है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी 1/12, उसके बाद 4/12, नेक्स्ट इज 5/12, नेक्स्ट इज 7/12, सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.6 जो है वो कम्प्लीट होती है। थैंक यू क्लास।